हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा हाल चाल है दोस्तों? सो फ्रेंड्स, अभी अल्मोड़ा में सुबह के 9:30 बजे हैं। आप देखिए सुबह के 9:30 बजे यहाँ पर कैसा दिखता है। इधर धूप खिली हुई है और अभी हम लोग निकल रहे हैं किधर अंकित? अभी हम जागेश्वर धाम जाएंगे, तो उससे हाँ, पहले चितई गोलू मंदिर पड़ेगा। गोलू मंदिर पड़ेगा, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। हाँ उसके बाद जागेश्वर धाम जाएंगे, बिल्कुल, फिर वापसी आ जाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे। इतने में फ्रेंड्स पूरा दिन लग जाएगा। हाँ तो अगर आप भी कभी फ्यूचर में प्लान करें जागेश्वर धाम जाने का, तो आप एक दिन तो प्लान करके ही चलिए, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 35-33 किलोमीटर है। तो पहाड़ों के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा होता है ना हाँ 33 किलोमीटर जाना, फिर वापस आना, आना, फिर तो आपको टाइम वहाँ तो भी टाइम स्पेंड करना स्पेंड है। करना है, तो टाइम तो तो लगता ही टाइम है। लगेगा। तो जैसे भी आप अपनी जैसे फैमिली के साथ आ रहे हैं, तब तो मेरे को लगता है कि यहाँ आराम से 3-4 दिन तो गुजार ही है, हाँ क्योंकि बिल्कुल, अल्मोड़ा में और भी कई जगह हैं घूमने के लिए, हाँ बिल्कुल, और जागेश्वर धाम तो बहुत ही अच्छा है कि बहुत बताते हैं, तो वहाँ के लिए एक दिन स्पेशल निकालना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर जाके। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं गोलू मंदिर। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमने बाइक वाइक खड़ी कर दी है हाँ और प्रसाद ले रहे हैं, तो राहुल ये है दुकान मंदिर के ठीक सामने। जब भी हाँ आप आए तो यहाँ से भी ले सकते हैं प्रसाद। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी मुराद अगर पूरी हो जाए तो आप घंटी वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे घंटियाँ बहुत सारी हैं। हाँ, घंटियाँ बहुत सारी हैं। यह हाँ प्रथा है कि लोग जो मुरादे मांगते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ से मंदिर घंटी ले जाकर वहाँ पे बांध बांध सकते सकते तो इस तरीके से ही देख सकते हैं। ये मैं पूरा इलाका दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से ये है। तो प्रसाद हम ले चुके हैं गाइस, राहुल ने ले लिया प्रसाद, लिया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपकी श्रद्धा है, आप 101-51 कितने भी प्रसाद ले सकते तो हैं। राहुल मतलब ये काफ़ी सुना है मंदिर मंदिर के बारे में, हाँ तो एक्साइटमेंट बहुत हो रहा होगा कि हाँ भाई इतनी हाँ घंटियाँ कितनी क्योंकि बंदी है। मेरे ख्याल से एंट्री इधर से है। हाँ, क्योंकि ये मंदिर इतना फेमस है हाँ तो एक्साइटमेंट है कि इतना फेमस क्यों है, इतनी घंटियाँ बंदी है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ये है इसका तो एंट्री गेट। ये गाइस ये सारा मार्केट है, तो यहाँ पे आप कभी आना तो मतलब ये है कि यहाँ से कुछ और भी सामान ले सकते हैं आप छोटा मोटा। हाँ फिलहाल तो हम यहाँ से गुजरते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको गोलू मंदिर दिखाई दिया है। ये इसके सबसे एंड में है, बैक साइड में। यहाँ पे सिर्फ घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे घंटियों के साथ आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों ने अपना, जैसे एक होता है ना, निवेदन करते हैं, अपनी एजुकेशन टाइप, एक मतलब अपनी इच्छाएं लिखी हुई है यहाँ पर। हाँ, और ये कागज पे लिख लिया, मतलब हम तो हमें नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे क्या होता होगा, लोग अपना एप्लीकेशन जैसे भगवान को लिखेंगे। हाँ, तो अगर उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो दोबारा आते हैं और घंटी उस पर बांध देते हैं। तो हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो हमें भी एक, अभी हमें नहीं पता था एक्चुअल में कि एप्लीकेशन लिखते हैं। हाँ, तो हम भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब हमारा कुछ ऐसा मुराद पूरी हो जाएगी तो अगली बार हम आएंगे तो यहाँ पे घंटी बांधने आएंगे। बांध सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं। और तो बाकी के पोर्शन भी हम आपको दिखाते हैं। बाकी के पोर्शन है, बाकी हमने प्रसाद ले ही लिया है, आप देख सकते हैं। बाकी आपने पूरा थोड़ा बहुत इसका देख ही लिया है, बाकी और भी जो छूट रहा है वो आपको कवर करके हम दिखाते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, ये था गोलू मंदिर का दर्शन। और उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरह से ये थाली हमें रिटर्न करनी होती है जहाँ से हम लेते हैं। और ये प्रसाद आप पैक करा के घर ले जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारजनों, मित्रजनों, सबको प्रसाद खिला सकते हैं। ये यहाँ का इस तरीके से रिवाज है, क्यों भैया? सही बात। अंकित, आप कुछ कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। हाँ, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई में इतनी सारी घंटियाँ देख के मतलब बड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं। हाँ, क्योंकि इतनी सारी घंटियाँ जब बजते रहती हैं तो हाँ, शुद्ध हो जाता है वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, मन भी शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल, घंटियों का लॉजिक ही यही है, जब आप बजाते हैं तो जो साउंड होती है उसकी वेव्स बहुत एनवायरनमेंट में काफ़ी दूर तक फैलती हैं। हाँ हाँ, तो पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। तो बाकी हमने वैसे जितना भी एरिया है मोस्टली हमने कवर आपको दिखाई दिया है। हाँ, तो कुछ मतलब ये है कि आप शुरू से जाओगे एंड तक आपको घंटियाँ बनी दिखेंगी। और मेन जो गोलू देवता थे, कहते हैं कि उन्हीं की मतलब यहाँ पर पूजा होती है। और ये मतलब कहा जाता है कि जो भी आपकी मुराद है, जो भी आप मांगना चाहो दिल से, तो उसमें एप्लीकेशन लिखो, उसमें कुछ लिखो और वहाँ पे बांध दो। और उसके बाद आपकी अगर विश वो पूरी हो जाती है तो आप घंटी यहाँ से लेके और वहाँ पे जाके बांध सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जानकारी दी अंकित ने। इसका मतलब ये है कि डे बाई डे यहाँ पे घंटियाँ बढ़ती रहेंगी। हाँ, वो तो विश तो पूरी होनी ही होनी। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है। बिल्कुल, तो ख्वाहिश पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, चितई गोलू मंदिर में कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, गांव है, इसे चितई कहते हैं। चितई कहते हैं, इसलिए चितई गोलू मंदिर के नाम से ही फेमस है। हाँ, और जो गोलू जी थे वो बहुत बड़े बाबा थे। हाँ, तो उनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है यहाँ पे। तो जैसे आप एक बार और दूर से देख सकते हैं, तो यहीं से गेट है और आप जाएंगे तो अभी भी देख रहे होंगे आप घंटी की आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो बस फाइनली यही दिखाना चाहते थे हम ये वाली वीडियो में। हाँ, कि गोलू देवता का मंदिर और एकदम अंदर भी हम कैमरा नहीं ले जा सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे किसी भी मंदिर में जाओ वो अलाउ नहीं है। हाँ, तो बाहर हम आपको जितना भी दिखा सकते हैं वो हम उतना आपने हम आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मंदिर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। और उत्तराखंड अल्मोड़ा की तरफ आप आओगे तो इस मंदिर में ज़रूर आना। बिल्कुल, तो इसी के साथ आप बाय बोले ऑडियंस को। बस ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।